आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी के युवाओं में वह ताकत है जो 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले 10 वर्ष में यूपी भारत के विकास की ताकत के रूप में उभरेगा। उन्होंने कार्यक्रम में आए उद्योगपतियों से कहा कि उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी हो, वन नेशन वन ग्रिड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये सारे प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब है। जब से यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। तेज विकास के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तीनों पर एक साथ काम कर रही है। इस साल के बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने पीएलआई स्कीम्स घोषित की हैं, जिनका लाभ आपको यहां यूपी में भी मिलेगा। यूपी में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भी आपके लिए बेहतरीन संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला किया है। हमने 300 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं और हमने निर्णय किया है कि ये 300। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित किया। इन्वेस्टमेंट समिट में सीएम योगी ने प्रदेश के नए रोजगार के अवसरों को लेकर बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 18% से घटकर 2.9% हुई है। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा से यह कार्यक्रम आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। 1400 से अधिक जो निवेश की परियोजनाएं हैं, इनमें डाटा सेंटर की हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, आईटीएम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख से 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। परंपरागत उद्यम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की, और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, 60,00,000 ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा, तो 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। 80,000 करोड़ रुपए की
यूपी के औद्योगिक विकास में आज एक दिन ऐतिहासिक रहा। राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी ने 80,000 करोड़ रुपए की 1400 से ज्यादा औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस समारोह के लिए पीएम मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। यूपी इन्वेस्टर समिट के दौरान इन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 को में आज प्रधानमंत्री मोदी सम्मिलित हुए थे। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री सम्मिलित होकर आप ठीक सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री एक ही कार से अब अपने अगले प्रस्तावित जो दौरा है, जो कानपुर दौरा है, वहां के लिए निकल चुके हैं और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में जो भी निवेशक आए थे उनको यहाँ पे आकर आभार प्रकट किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आप वाराणसी का भी दौरा करें और आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में उन्होंने कहा कि निवेशकों के साथ प्रदेश विकास की ऊंची उड़ान भर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ के निवेश किए गए हैं। वहीं आपको बताएं कि 1406 जो कंपनियां हैं उनके साथ आज सरकार के बीच एएमयू भी साइन कहे होने की बात कही जा रही है। वहीं अब इसे 80,000 करोड़ के निवेश के बाद कहीं ना कहीं प्रदेश के जो युवा हैं उनके अंदर में रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं आशा अपेक्षाएं बढ़ गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये 80,000 करोड़ जो यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में जो निवेशक हैं वो आकर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका जमीन पर कितना उतरता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब जो लामाट ग्राउंड है मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में, वहां से अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से अब वो अपने जो उनके दौरे हैं महामहिम राष्ट्रपति के कानपुर के अंदर में, तो वहां के लिए अब निकल चुके हैं। और आपको बताया कि इन्वेस्टर्स इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश विदेश से इन्वेस्टर आए थे जो यूपी के अंदर में हर एक सेक्टरों में अपने 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 कामों को लेकर सरकार के साथ एएमयू साइन किए हैं। वहीं आपको बताएं कि कृषि सेक्टर चाहे बात की जाए, एरोस्पेस सेक्टर चाहे बात की जाए, आपके आईटी सेक्टर चाहे बात की जाए, कपड़ा टेक्सटाइल और चाहे बात की जाए हस्तकब्जा हैंडलूम, इन सभी जो चीज़ों को लेकर अब यहाँ पे अपनी कंपनी लगाएंगे और उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार के एक साक्षी बनेंगे। वहीं आपको बताएं कि इस ग्राउंड सेरेमनी को 11 बजे से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद शुरुआत की गई। अब प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु प्राइम टीवी लखनऊ। दोहरे में बीजेपी के सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। इनके साथ बांसगांव के बीजेपी सांसद कमलेश पासवान भी मौजूद रहे। सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सदर सांसद डॉक्टर राम त्रिपाठी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में नव भारत का शंखनाद हो रहा है, हर तरफ खुशहाली है, मोदी जी के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि बेमिसाल 8 साल है। अभी आदरणीय सांसद जी ने, रमापति साहब ने एक एक योजनाओं के बारे में डिटेल तरीके से आप सब लोगों को बताया है और विज्ञप्ति भी दिया है। मैं उसको दोहराने का काम नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा उसमें दो चीज़ें और ऐड करते हुए, ये बेमिसाल 8 साल पूरे भारत के लिए, भारत के एक नागरिक के लिए गौरव का विषय है। भारत की ख्याति बढ़ी है और भारत अब विश्व का के तरफ ताकने वाला देश नहीं है। आज मोदी जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में स्थापित हुए हैं और विश्व के लिए आइकॉन बन गए हैं। विश्व उनको निहार रहा है और आज मोदी जी के पास विश्व के लोग दौड़े आ रहे हैं। ये श्रेष्ठता, ये सम्मान और ये गौरव श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में 7 वर्षों में उनको मिला। अभी आदरणीय सांसद जी ने खबर मैनपुरी से है, जो अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि गंभीर हालत में एक मरीज उनके परिजन हथेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि काफी दिनों से मरीज बुखार से ग्रसित था। इस मामले पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद किशोर का कहना है कि मरीज को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। बीमार थे। कितने दिन से? 8-10 दिन। 8-10 दिन से बीमार थे। आप ठेले पर लेके आए हैं, एम्बुलेंस वगैरह कोई सुविधा नहीं मिली क्या?
क्या अभी कोई आया डॉक्टर देखने? ये अभी शिव सिंह नाम का पेशेंट आया हुआ है, उनके पिता का नाम संतुलाल है, एज अबाउट 26 ईयर के हैं, जो कि अभी अनकॉन्शियस के अवस्था में यहाँ लाया गया है और उनको अभी एग्जामिन करने के बाद पता चला कि ये एनीमिक है और एनीमिया की वजह से ये शॉक में चले गए। इन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा है, इनके बाद इनको हाईएस्ट सेंटर के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जिला अस्पताल मैनपुरी भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस बुलडोजर की धमकी देखने को मिली थी, आज वही बुलडोजर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में भी चर्चा का विषय बना रहा। चेन्नई की कैंट कंपनी ने यहां एक स्टॉल लगाकर बाबा के बुलडोजर की याद को ताजा कर दिया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस बुलडोजर को देखने के लिए लोग खुद को रोक नहीं पाए। वहीं कैंट कंपनी ने लखनऊ के सेल्स हेड हेमंत ने बताया कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई में है। यही नहीं, चुनाव में जिस तरह से बुलडोजर पर पब्लिसिटी मिली है, उसके कारण अब मार्केट में भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक ट्रांसपोर्ट के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम में भीषण आग ने भीषण रूप ले लिया। आनन फानन में आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। आग की वजह से यहां लाखों का माल जलकर राख हो गया। वही घटना की सूचना पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की डेढ़ दर्जन से अधिक गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पूरा गढ़ी का वो है मौका, उसमें ना बड़ा गोदाम है, आग लगी है और फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियाँ द्वारा बुझाया जा रहा है और काफ़ी एरिया फैल चुकी है, किसी तरह की जनहान कोई वो नहीं है। आग को बुझाया बुलंदशहर कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं ने कोचिंग सेंटर पर फीस की गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया और छात्र छात्राओं का आरोप है कि कोचिंग सेंटर के द्वारा फीस की वसूली कर ली है और कोचिंग संचालक फरार हो गए हैं। एसपी सिटी ने से शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। कोचिंग बंद हो चुकी है, हमने अभी ज्वाइन करी थी, लास्ट वन मंथ हुआ है, सोने बच्चे यहाँ पे आ रहे थे तो कोचिंग कराने और अब बंद हो चुके, भाग चुके हैं पैसे लेके बहुत सारे बच्चे, जिन्होंने अभी चीज पत्र जमा भी करी है कल परसों। आगे हम और जब तक हमें पैसा आप नहीं मिलता, जब तक हमें याद हो हमें कोचिंग के यहाँ पे द्वारा से ओपन हो, लास्ट हमें परिपत्र पूछ बताए और परिपत्र के मैसेज भी आए थे, मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे। बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने एक रास्ता पर दिया जिसमें लिखा है ICS कोचिंग सेंटर था, जिसमें इन लोगों से फीस ली गई है, फीस लगा कर लेकर के बिना बताए जो संस्थान चला रहा था वो यहाँ से चला गया है और अभी ने पता चला है कि संभवतः वो रजिस्टर्ड भी नहीं है और अभी क्या कार्य प्रार्थना पत्र है वो कार्यवाही के लिए। शाजापुर काकोरी कांड के महानायक और महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद विस्मिल की पुण्यतिथि पर यूपी के मुख्य सचिव शाजापुर पहुंचे, जिसको लेकर आज डीएम उमेश प्रताप सिंह ने पंडित राम प्रसाद विस्मिल की आवास पहुंचकर रहने वाले परिवार से मुलाकात की। उनकी पुण्यतिथि पर पर्यटन विभाग द्वारा भव्य आयोजन होगा और उनके आवास को दीपों से सजाया जाएगा। आपको बता दें कि 11 जून 1997 को पंडित राम प्रसाद विस्मिल का जन्म हुआ था। कुछ नहीं, 11 जून को उनकी जन्मतिथि है, उसके संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जाना है। यहाँ कुछ दीपदान का प्रोग्राम होगा, उसके बाद म्यूजियम में जब माना है वहाँ काफ़ी बड़ा दीपदान का महोत्सव है और उसमें माननीय मंत्री गण हैं यहाँ के स्थानीय और माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भाग लेंगे। रायबरेली उचहार NTPC के मनीराम पुल से रायपुर को पाइप के किनारे सड़क बनाने के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा काटते हुए रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन अधिकारी के साथ NTPC के उच्च अधिकारियों के पहुंचने पर मामला शांत हुआ है। संभल में चोरों के हौसले बुलंद है, जहां चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करासर और सब सामान निकाल के ले गए, क्या क्या? चार चीजें सोने की है, पांच चीजें चांदी की है और पैसे इसमें रखे हुए। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ? नुकसान कमर तना 1.5 लाख का। 1.5 लाख का का किस टाइम की घटना है ये? घटना तो साहब हमने तो सुबह देखा रहे थे, घटना तो वही बार 1 बजे के टाइम की होगी। आपको कब पता चला? हमें तो 5 बजे पता चला।
और यह से बड़ी खबर सामने आई है, जहां डीएम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की अवैध तरीके से कमाई गई करोड़ों की संपत्ति कुर कर ली गई है। आपको बता दें कि इन दोनों आरोपियों पर हत्या के कई केस दर्ज है। गैंगस्टर के जो अभियुक्त हैं कुलदीप अवस्थी और विकल्प अवस्थी, इनके विरुद्ध गैंगस्टर की अपराध संख्या 462/2020 औरैया कोतवाली में पंजीकृत किया है, जिसके तहत ये जेल में जुड़ते हैं। इनके द्वारा गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति के संबंध में जिलाधिकारी महोदय औरैया के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत कार्रवाई करते हुए इस प्रॉपर्टी को कुर्क का आदेश दिया गया था, उस आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। गोरखपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां डंपर और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई है और इस हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, हम लोग रोड के साइड में सो रहे थे, रात में करीब 4:30 के आसपास एक डंपर वाले ने टक्कर मारी थी, तो 3 लोगों का मर्डर हो गया है, एक बच्चा जख्मी है और इधर फंसा दिया नीचे बस। ये भी हम लोग सोए हुए थे, रात में 3:30-4 बजे के आसपास की बात है ये, और एक बैग जो है कि ये सारा कांड हुआ, गिरा और हम लोग तो उठ गए, बच्चे भी उठ गए, पूरा चौंक गए हम लोग। जब ताला खोल के बाहर निकले तो ये सब जो रोड पे सोते हैं ये सब चिल्लाने लगे पूरा, तो उसमें जो है कि 2-3 लोग की शायद मौत हो गई। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया के और ताजो तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।